गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जो गुरबाणी दे बहुत हैं, उसे अगाध बोध बाणी दे प्रवाह विच एक ऐसी बाणी है जिसका नाम गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गाथा रखे है। गाथा तो मुराद कथा, किसकी कथा? किसी अवतार दी, किसी पीर पैगंबर दी, किसी संत महात्मा दी नहीं, एक प्रभु दी कथा है, अकाल पुरख दी कथा है, ईश्वर दी कथा है। ईश्वर दी कथा नु, अकाल पुरख दी कथा नु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 24 श्लोकां विच वर्णन कीता है। एक एक श्लोक अपनी थां ते बेशकीमत है, महान है। ये पहली और इक्को एक ऐसी रचना है जिसका नाम कथा है, जिसका नाम गाथा है। इस जगते मेरे बादशाह ने कोई राग संगीत दर्ज नहीं कीता। आरंभ देश मंगलाचरण है, मूल मंत्र है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ओ अदुति परिपूर्ण परमात्मा एक है, जिस तो उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, सत्स्वरूप है, गुरु है और ओ करुणानिध है, प्रसाद है, दयालु है। ऐसे ईश्वर की कथा नु समझण लई जानण लई पहले अपना बोध होना बड़ा लाजमी है। ऐ मनुख वास्तविक तू की है? अगर कोई मनुख ईश्वर की कथा नु समझ नहीं सकया, जान नहीं सकया, ईश्वर नाल जुड़ नहीं सकया, तो रुकावट की है, रोक की है? दरअसल इस बाणी दे सतगुरु दसदे ने मनुख दा तन ते फिर मनुख दा मन, यही दोवें बहुत वड्डियां रोका ने। ए साधक भी हो सकदे सन पर मनुख ने इन्हां नूं बाधक बना दिता है। ऐसा क्यों? तो सतगुरु देव जी महाराज असलियत दसदे ने अज्ञान दे कारण करके देही नूं मनुख बहुत वड्डी महानता दे बैठा है अपनी इस काया, और इतनी वड्डी महानता दे बैठा है और इस काया दा इतना वड्डा अहंकार जिसके सामने निरंकार भी उसनु छोटा प्रतीत होता है। अपनी काया महान दिखाई देती है। इस काया की असलियत गुरु अर्जन देव जी महाराज सब तो पहले सामने रखते ने। करपूर पोह सुगंधा परस मौन बेहन मलिन, मनुखा देही ते ऐसी देही है अगर इस नाल करपूर और पुष्प होर सुगंधित वस्तुआ स्पर्श कर दईए, छू दईए, तो मलिन साहिब के दिन मैलियां हो जाती है। कपूर मैला हो जाता है, चंदन मैला हो जाता है, सारिया सुगंधित वस्तुआ इस तन नाल छूंदे हैं मैलियां हो जाती है। क्यों? तो महाराज कहते ने मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वें अज्ञान। आखिर काया है कि महाराज कहते ने ए मिंज है, खून है, दुर्गंधी दा गढ़ है। अज्ञानी मनुख एवें हंकार कर रहे हैं। काया दे बंधन टुटन ताही मनुख अगे जा सकता है। काया दा अहंकार एक पासे होवे ताही जो है निरंकार दी यात्रा हो सकती है। और ए मनुख ही है जो अपनी काया नो ही सब कुछ समझ बैठा है, दिन रात काया दी पालना ते पोषना, सवारना ते शिंगारना, इस तो इलावा इसकी कोई होंद नहीं रहेगी, इस तो इलावा इसकी कोई दुनिया नहीं रहेगी। और यही कारण है काया भगवान बन गई। दरअसल कायाधारी जेड़े मनुख ने और काया ते रुक गए ने, उना दा भगवान काया है, उना दा गुरु काया है, उना दा इष्ट काया है,
उना दे सारे सुख काया दे जिस्म लित ने, इस वास्ते उना दी चेतना काया दे आले दुआले ही परिक्रमा करती रहती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज मनुख दी सुरत नूं अगां लेना ले जाना चाहते ने, इस वास्ते आप फरमान कर रहे ने, ऐ मनुख तेनू बोध होना चाहिए कि वास्तविक एक काया अनंत मैल दा मुजस्मा है, गढ़ है, मिंज है, खून है, दुर्गंधी है। भगत कबीर जी कहते ने, चलत कत टेढ़े टेढ़े, क्यों इतना टेढ़ा चल रहे हैं, क्यों इतनी काया दा मान करके चल रहे हैं, क्यों इतना देही करके तू फुले हुए हैं, चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मूंदे, दुर्गंध ही के बेटे, तू है कि अस्त हड्डियां मेंज खून, ते इसे दे उत्ते ही परिपूर्ण परमात्मा ने चमड़ा लपेट लेता है, बिस्टा अस्त रखत परेटे जाम, वो इस ऊपरले राख्यो गुमा, चमड़ा जो लपेटे आ गया है मांस थे, मिंज थे, खून थे, दुर्गंधी थे, तो सतगुरु इत्थे पुछना चाहते ने, तेनू उस चमड़े दा मान, खून दा मान है, मिंज दा मान है, हड्डियां दा मान है, उस दुर्गंधी दा मान है, आया किस चीज करके तू हंकारी होया फिरदा है। इना देचो ते कुछ भी ऐसा नहीं कि तू अपने अहंकार नू फुला सके, वधा सके, ते सामने जो है प्रगट कर सके। बाबा फरीद जी पास एक इस तरह का ही पुरुष काया अभिमानी आया। फरीद जी बैठे सन मिट्टी रेच रेत, उसने सोचा जे मैं सजदा कीता मेरे मत्थे नू मिट्टी लगेगी, पग मैली होगी, सुंदर मेरी काया, सोना है शरीर, पर ए फकीर ते मिट्टी च बैठा है, सजदा नहीं कीता, दूर बैठ गया। अगम्मी पुरुष मन दियां रमज़ां नूं समझण वाले, उन्हां दे उस अगम्मी तल तों ए बोल निकले ने, फरीदा मैं भोलावा पग दा, मत मैली होए जाए, पर गैला रू न जाणाई कि सिर भी मिट्टी खाए। इस भोले मनुख नूं पता ही नहीं तू मत्था ते पग मैला होने दे डर करके सजदा नहीं कीता, जबकि सारी काया ही मिट्टी हो जानी है, सारी काया ही खाक हो जानी है। इतना बोध होने हैं मनुख काया तो उच्चा उठता है, काया तो अगां जाता है, परमात्मा तक पहुंचने लई, आत्मा नूं समझण लई, परम चेतना नाल जुड़न लई काया तो छुटकारा लाजमी चाहिदा सी। इस वास्ते गाथा दी आरंभता साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक तो करदे ने कि काया ऐसी है, सारियां सुगंधित ते पवित्र चीजां भी इस नाल स्पर्श करिए तां अपवित्र हो जांदियां ने, और काया दा बोध होंदे हां मनुख दी सुरत अगां नूं गमन करदी है। परमाणु परजन आकाशे दीपलो से खंडने, गच्छेन नैन भारेण नानके, बिना साधु न सिद्धियते। तन तो वा मनुख दा ए मन है, ए अपने विचारां च उलझा रहिंदा है, अपनी दुनिया विच लीन रहिंदा है। अगर ये थोड़ा जप तप करे तां सब तो वड्डा जो रस्ते दा रोड़ा बन जांदियां ने उहने सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि। इस तल ते मनुख फिर रुक जांदा है। रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मन आए। ऐसा मनुख काया तो उच्चा उठ गया है, काया दी कोई परवाह नहीं, काया दा कोई अहंकार नहीं, काया दा कोई मान नहीं, पर मन नू इकागर करके जो इसनू सिद्धियां प्राप्त हो गईयां उस करके अहंकार खड़ा हो गया। अहंकार ने अपना सिंघासन बदल लिया,
आसन बदल लिया, वो मौजूद है। अहंकार ने अपना स्थान बदल लिया, पहले तन दे तल ते खड़ा सी, हुण मन दे तल ते खड़ा हो गया, हुण तन ते पिछे रह गया। प्रथम ते ओ आम मनुख ने साधारण जनता जिन्हां दा अहंकार तन ते खड़ा है, फिर कुछ धार्मिक लोग जप तप करने वाले साधना करने वाले उन्हां दा अहंकार मन दे तल ते रुक के रह जांदा है, क्योंकि उन्हां नूं कुछ सिद्धियां दी प्राप्ति हो जांदी है। यही कारण है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बकायदा सिद्धां दे पास गए, सिद्धां नूं समझाण लई भी तन तो तुसी उच्चे उठ गए लेकिन मन दी दुनिया च फस के रह गए, तुसी विधियां ते सिद्धियां दे फस के रह गए, जो मन दी एकाग्रता द्वारा थानू जो है प्राप्त होईयां। साहिबां दी दलील दे एकायल ते होए पर सिद्धां दे मन विच अचानक ख्याल आया गुरु नानक देव जी महाराज नूं शैली शब्दावली ते बड़ा अबूर है और देश विदेश दीआं बेहतरीन बहुत सारीआं भाषावां आप जानदे ने, क्यों ना इस साडे पंथ दा प्रचार करन और प्रचारक बनन। भाई साहब भाई गुरदास जी ने इस गोष्ठी नूं इंज लिखिआ है, सब सिद्धि मने विचारिआ किवें दर्शन इउ लेवे बाला, ए बच्चा ए बालक किवें साडा वेख कबूल करन और साडे मत दा प्रचार करे और जगत नूं प्रेरे कि सिद्ध बनना है, सिद्ध बनना है, रिधियां सिद्धियां नूं प्राप्त करना है। जोगियां दे मुखी ने अपने मन विच ए विचार कीती, ए साथों प्रभावित होवे ताई साडा मत ग्रहण कर सकदा है, ताई साडा भेख जो है धारण कर सकदा है, तो उन्होंने एक खप्पर गुरु नानक नूं दित्ता। भाई साहब भाई गुरदास जी इंज लिखदे ने, सब सिद्धि मने विचारिआ किवें दर्शन इहो लेवे बाला, ऐसा जोगी कली माए हमरे पंथ करे उजियारा। खप्पर दित्ता नाथ जी पानी भर ले वन उठ चाला, खप्पर दे के आखे सामने सरोवर दे सड़े पीण लई जल भर के लियाओ, पानी भर के लियाओ, सानू पानी चाहिदा है। ऐसा हुक्म मनुख उसे ते कर सकदा है जिसनू अपने नालों छोटा समझे। सिद्ध कोई 500 वरे दी उम्र दा, कोई 700 साल दा, कोई 800 साल दा, उन्हां दे सामने बिल्कुल युवक 24 साल दे गबरू साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बच्चे ही दिखाई देन। आखिया खप्पर चुको ते सामने सरोवर दे सड़े पीण लई पानी भर के लियाओ। गुरु नानक ने कोई उजर जाहिर नहीं कीता, एकदम खप्पर चुक दिता। बाबा आया पानी है डिठे रतन जवै लाला, जैसे सतगुर सरोवर दे कोल आए, सरोवर विच पानी नहीं सी, सरोवर ते रतना नाल भरे आया, हीरे जवाहरात पुखराज नाल भरे आया। फिर आया सुन नाथ जी पानी ठौर नहीं तिस ताला, अगों खप्पर रख दिता ते आखिया नाथ जी सरोवर विच ते पानी नहीं है, पर मैनू हैरानगी है तुसी इत्थे बैठिया बैठिया सत आसमाना तो भी परे दी गल करदे हो और तुसी ए कहिंदे हो सानू परलोक भी दिखाई दे रहा है, पर थानू कोल इस सरोवर नहीं दिखाई देंदा कि इस विच पानी नहीं है, ऐसा नहीं दिखाई देता। जद नेड़े है थानू ए नहीं दिखाई दे रहा कि सरोवर विच पानी नहीं है, तो मैं किस तरह मन लवां कि आसमान तो परे भी थानू दिखाई दे रहा है और पाताल लोक विच भी थानू सब कुछ जो है दिखाई दे रहा है। शब्द जिती सिद्ध मंदली की तुन अपना पंथ उजाला। गुरु नानक देव जी महाराज ने साफ आख दिता पानी नू रतना विच बदल देना, इस करामात नू हासिल कर लेना जिंदगी दा लक्ष्य नहीं है, जीवन नू ही कंचन बना लेना,
जीवन नो ही हीरियां दी खान बना लेना और प्रभु दी प्राप्ति कर लेने आत्म गुणा दी प्राप्ति कर लेने ए जीवन दा लक्ष्य है। जीवन दा ए लक्ष्य नहीं कि काया दा स्वप्न ते काया दे रस्ते रुक जाना। जिंदगी दा ए लक्ष्य नहीं है कि रिधियां सिधियां मन दी एकाग्रता द्वारा प्राप्त हो जान ते उत्थे मनुख फस के रह जाए। एक गल स्पष्ट हो गई कि रिधियां सिधियां प्राप्त होने तो बाद भी मन दी शुद्धि नहीं होंदी। मन दी एकाग्रता हो जाना होर गल है, मन दी शुद्धि हो जाना होर गल है। किसी नाच गाने विच भी मनुख दा मन एकाग्र हो जांदा है पर मन शुद्ध ते नहीं होंदा। बहुत एकाग्र चित मनुख बैठा है, किसी गीत नूं सुन रहा है, नाच नूं वेख रहा है और इस तो इलावा अनेकां होर घटनावां ने जिथे मनुख दा मन एकाग्र होके रस माणदा है और रस एकाग्रता दे च है। लेकिन ए लाजमी नहीं कि मन दी शुद्धि होवे। मन दा एकाग्र हो जाना होर गल है, मन दी शुद्धि हो जाना होर गल है। मन दुराचार विच भी एकाग्र हो सकदा है, मन प्रभु दे नाम विच भी एकाग्र हो सकदा है। मन किसे रिधियां सिधियां विच भी एकाग्र हो सकदा है या मन दी एकाग्रता द्वारा रिधियां सिधियां जो प्राप्त हो जान उस दे विच भी मन जो है टिक सकदा है और अपने अहंकार नूं जो है प्रगट कर सकदा है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज इत्थे फरमान पे करदे ने, जिंदगी दा लक्ष्य रिद्धि सिद्धि दी प्राप्ति नहीं है, यह भी एक तरीके दी संपदा है, यह भी एक तरीके दा धन है। तो फिर धन नूं छोड़न दी कोई लोड़ नहीं सी, परिवार नूं छोड़न दी कोई लोड़ नहीं सी। गृहस्थी कोल जिथे परिवार दा माण है, धन संपदा दा माण है, काया दा माण है, उत्थे सिद्ध कोल होया सिद्धियां दा माण। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करदे ने कि कोई मनुख इतनी प्रबल सिद्धि भी प्राप्त कर लवे, केड़ी परमाणु परजंत अकाशे दीप लो से खंडने। परमाणु जितना कोई बारीक हो जाए, जिसनु इस मोटी अख नाल वेखना भी कठिन होवे, परजंत अकाशे एकदम आकाश ते चला जाए। दीप लो से खंडने, अनेका दीप लोक जो अनेका पृथ्वियां ने उना दा भ्रमण करके आवे। कितनी देर विच भ्रमण करे, गच्छें नैन भारें अखदी पलक अखदी पुतली। जितनी देर विच थल्ले तो उपर आउंदी है, इतनी देर विच इस सारे खंडा ब्रह्मंडा दा भ्रमण करके आवे। नानक बिना साधु ना सिद्धिया थे, फिर भी बिना सत्संग तो आत्म चिंतन तो जिंदगी दे लक्ष्य दी प्राप्ति नहीं होवेगी, जीवन दी सिद्धि प्राप्त नहीं होवेगी, जीवन दा आनंद प्राप्त नहीं होवेगा। रिद्धि सिद्धि जिंदगी दा लक्ष्य नहीं है, जीवन दा लक्ष्य नहीं है। लेकिन मनुखी मन ऐसा है कि इत्थे रुक जांदा है। तो मनुख दा मन ना तन ते रुके ना मन ते रुके, आखिर इलाज उपचार अगर एक रोग है एक समस्या है तो इसका समाधान तो तीसरे श्लोक विच गुरु अर्जन देव जी महाराज इस ढंग नाल दसते ने। जानो सत्य होवंतो मरणो दृष्टेण मिथ्या कीरते साथ चलंतो भणंतो नानके साध संगे। अगर मनुख सच करके जाने कि मरना है, मौत है, जन्म ते जीवन दिखाई देवे तो अहंकार दा जन्म आउंदा है, पर जीवन ते जन्म विच मृत्यु दिखाई देवे, मौत दिखाई देवे, अहंकार विलीन हो जाता है। शमशान घाट देते जद कोई मनुख अपने अजीज अकारब सगंदी नूं अपने हथी अग लांदा है, उत्थे अहंकार रहिंदा ही नहीं। बड़े बड़े जप तप तो बाद जिस अहंकार नूं हिरदे चों कढ ना सके वो शमशान घाट ते विलीन हो गया। या इंज कह लो शमशान घाट विच जितने बैठे हुंदे ने सब योगी बैठे ने,
सब भगत बैठे ने, सब संत बैठे ने, कम से कम उतने चिर तक ते संत ही ने जितनी देर तक ओ शमशान घाट विच बैठे ने। संसार भूल जांदा है, काया भूल जांदी है, सब कुछ भूल जांदा है, ध्यान उसे एक मित्र ते एकाग्र हो जांदा है जिसकी चिता जल रही होंदी है, संसार असार प्रतीत होंदा है और बैराग अंदर पैदा हो जांदा है। शायद इस वास्ते गुरु नानक ने ते शर्त ला दी है कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। काया दा अहंकार ओही मनुख कर सकदा है और रिधियां सिधियां दा ओही मान कर सकदा है जिसनु मौत भूल गई है। रिद्धि सिद्धि स्वभाविक प्राप्त हो गई है, प्रभु दे मार्ग ते चल दिया इना दी प्राप्ति हो जाती है। पर गुरु अमरदास जी महाराज कहंदे ने इस तरह मनुख दे पिछे चलनिया चाहीदियां ने जैसे कि मनुख दे पिछे छाया चलदी है, काया दी छाया जो चलदी है। ऐसा ना होवे कि सिर दा बोझ बन जान और सिर ते असवार हो जान। नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरन, जो हर हृदय सदा वसाए। हृदय दे प्रभु है तो ये रिधियां सिद्धियां पिछे इंज चलदियां ने जैसे कि काया दी छाया नाल चलदी है। पर काया दा अहंकार ते रिधियां सिद्धियां दा अहंकार अगर ए प्रबल है तो फिर मनुख नूं उस परम आनंद की प्राप्ति नहीं आउंदी जिहड़ा परम आनंद जिंदगी दा जो है लक्ष्य है। तो फिर किस तरह करिए अहंकार विलीन होवे, ना रिधियां सिद्धियां दा अहंकार होवे ते ना काया दा माण होवे। तो साहिब कहिंदे ने जाणो सत होवंतो मरणो, सच करके जान मरना होना है, मौत होनी है। दृष्टेण मिथ्या, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है, सब नाशवंत है। सब दा देखदिया ही देखदिया रूप बदल जांदा है, देखदिया ही देखदिया खिड़े हुए फुल मुरझा जांदे ने, देखदिया ही देखदिया सुंदर जवानी बुढ़ेपे दा रूप अख्तियार कर जाती है, देखदिया ही देखदिया तंदुरुस्ती बीमारी दिच बदल जाती है, देखदिया ही देखदिया पूजा प्रतिष्ठा अपमान दिच बदल जाती है, सन्मान अपमान दिच बदल दे देखे ने, जीवन नू मौत दिच बदल दिया देखे है, खिड़े हुए फुला नू मुरझांदिया आया जो है वेखे है। साहिब कहंदे ने इह सच करके जान दृष्टेण मिथ्या, जो कुछ भी तेनों दिखाई दे रहा है मिथे है, नासवंत है। वाकई सब कुछ नासवंत है तो फिर मैं क्यों जीवा, फिर ते जीण दी कोई लालसा ही ना रहेगी, फिर ते जिंदगी दा कोई लक्ष्य ही ना रह गया। तो साहिब कहंदे ने हां एक चीज है जो मिथ्या नहीं, नासवंत भी नहीं और वो नाल भी जांदी है। लाहौर दे दुनी चंद नाल गुरु नानक देव जी महाराज ने जद गोष्ठी की थी और बड़ा सुंदर एक उदाहरण सतगुरां ने पेश कीता, सुई दित्ती ते आख्या असी परलोक विच ए सुई तैथों ले लेंगे। बस इतनी जिया गल देते इस महान धनाढ प्रतिष्ठित बंदे नूं सतगुरु ने जगा दिता। उन्हें आख्या महाराज मैं परलोक विच ए सुई किस तरह वापस करांगा आप नूं, ए ते मेरे नाल नहीं जा सकदी। तो क्या ए सारी धन संपदा तेरे नाल जाएगी जिसनों तू जिंदगी दा लक्ष्य बनाया है, जिसनों तू जीवन दा लक्ष्य बनाया है। एकदम मोह टूट गया, भरम टूट गया। तो साहिब कहंदे ने एक वस्तु ऐसी है जो नाल जाएगी, वो की है? कीरत साथ चलन थो, प्रभु दी कीर्ति नाल जांदी है, प्रभु दे गायन कीते हुए गुण नाल जांदे ने। क्योंकि गुण कहे गुणी समावना, परमात्मा दे गुण गांदिया गांदिया मनुख गुणा दे लीन हो जांदा है, गुणा दे ओत प्रोत हो जांदा है, गुण उसके हिरदे दे वस जांदे ने। एक ऐसी प्रभु ने लीला रचाई हुई है कि उसके गुण गांदिया ही गांदिया मनुख गुणवान हो जांदा है। अज तक ऐसा हो नहीं सकया कि प्रभु दे गुण गाए बिना कोई गुणवान हो सके। धनवान हो सकता है, कलाकार हो सकता है,
विद्वान हो सकता है, पर दैवी गुण ते उदों ही प्राप्त होंदे ने जद परमात्मा नूं लक्ष्य बना के कोई इना गुणा नूं गायन करे। इसे वास्ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने ते साफ कह दिता है, जिंदगी अजाई चली गई उस मनुख दी जिसने गुण नहीं गाए। गुण गोविंद गायो नहीं जनम अकार की, कहो नानक हर भज मना जेहे दे दे जल को वीन। तो साहिब कहंदे ने कीरत साथ चलन हो, प्रभु दी कीर्ति नाल जाएगी। प्रभु दी कीर्ति किथे करिए, उसका बोध कित्थों लईए, उसकी सूझ ते समझ कित्थों लईए। तो साहिब कहंदे ने भणंत नानक साध संगे हैं, गुरु दी संगत विच बैठ के जो उसके गुणा का उचारण करना है, बस यही कीर्ति नाल जांदी है, यही जिंदगी का लक्ष्य है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज हर श्लोक विच लड़ीवार मनुख की सुरत नूं उच्चा करदे ने, पहले तन तो उच्चा उठाण की कोशिश करदे ने, फिर रिधियां सिधियां इस तरीके नाल मन तो उच्चा उठाण की कोशिश करदे ने, और मनुख तन तो उच्चा उठे मन तो उच्चा उठे सामने रखते ने सिद्धांत मौत। वेख मौत, मौत का चिंतन अपने अंत का चिंतन तेनू बेअंत की यात्रा ते ले जाएगा, अपना खात्मा तेनू वास्तविक जिंदगी प्राप्त करा देगा, सदीवी जीवन की तरफ तेरी सुरत तेरी धारा नू मोड़ देवेगा। इस वास्ते गुरमत दा ते मूल संदेश ही यही है, ऐ मनुख कि जीवन विच अगर कोई याद करने वाली चीज है तो परमात्मा तो बाद मौत, मौत परमात्मा, परमात्मा मौत। काल दा चिंतन अकाल दा चिंतन बन जाता है, और अकाल दा चिंतन अपने काल दा चिंतन बन जाता है। जिस मनुख नूं अपना काल दिखाई दे गया वह सीधा अकाल दे जो है लीन हो गया। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक दे राही यही जो है नुस्खा, यही इलाज साढ़े सामने रखते ने कि मौत चेते रख, फिर तू मन तो भी उच्चा उठ जाएगा, तन तो भी उच्चा उठ जाएगा। महात्मा बुद्ध दी ते प्रसिद्ध कथा है, कहिंदे ने जितना संवेदनशील मनुख होवे, जितना बारीक मनुख होवे, निक्की जी घटना तो भी बहुत वड्डी प्रेरणा ले लैंदा है, जबकि मोटी बुद्ध वाला मनुख बहुत वड्डी घटना तो भी छोटी प्रेरणा नहीं लैंदा। एक दिन बिरध मनुख नूं वेख के ऐसी चोट लगी महात्मा बुद्ध नूं, क्या है मेरी सुंदर काया इस तरह की करूप हो जाएगी, मैं इस तरह का हो जावांगा। और एक दिन जब चार बंदियां दे कंधियां दे एक मुर्दा वेखे है तो फिर कदम घर की तरफ नहीं जा सके। फिर ते महात्मा बुद्ध कहने लगे, जैसे ये मुर्दा मरे है, ये जीवदा जागदा मनुख मर गया है, मैं भी मर गया, मैं भी लाश हो गया, मैं भी मुर्दा हो गया। इस जीवन तो ते कम से कम मैं मुर्दा हो गया, मैनू हुण नवा जीवन चाहिए। जैसे इस मुर्दे नो अगे होर जन्म मिलेगा, मैं भी मर गया, मैं हुण नवा जन्म लभना है, नवा जीवन लभना है। फर्क सिर्फ इतना है, इस मुर्दे नो जिहड़ा अगला जन्म लभेगा इस दे कीते हुए कर्म ते संस्कारां दे मुताबिक, मैं अपने कर्म ते संस्कार प्राचीन सारे मिटाने ने ताकि ओ जीवन मिले, ओ जन्म मिले जिस दे च मृत्यु ना आवे, जिस दे च बुढ़ेपा ना आवे, जिस दे च बीमारियां ना आवन, जिस दे च रोग ना आवे, जिस दे च सोग ना आवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिर्त ना जन्म जरा। हुण असी अपना घर उत्थे बना लिया जिथे जमना नहीं है, जिथे मरना नहीं है, जिथे बुढ़ेपा नहीं है, जिथे बीमारियां नहीं ने। साहिबगुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। जो हरि दा जन बन जांदा है, ना उसके तन विच रोग, ना उसके मन विच सोग। और इस तरीके दे नाल जन्म मरण का यह जो बहुत भयंकर वड्डा रोग सी, इस तों भी सुरत उच्ची उठ जाती है। चित भर में इष्ट मित्र रेख बांधवे, लभदें साध संगेन नानके सुख अस्थानं।
गोपाल भजन। काया दा अहंकार ते मन दी एकाग्रता द्वारा प्राप्त सिद्धियां मनुख दी जीवन चेतना नू रोक लेंदियां ने ते जीवन दे लक्ष्य तक मनुख नू नहीं पहुंचन देंदियां। उदा कारण सतगुरु दसदे सन मौत भुल गई। पर प्रश्न खड़ा हुंदा है, मौत क्यों नहीं चेते? तो साहिब कहिंदे माया चित भरमे, माया चित नू भरमा के रख देंदी है। केड़ी माया? इष्ट मित्र एक बांधवे, संबंधी मित्र इष्ट बार बार याद आउंदे ने, वो आले दुआले घूमदे ने, और जीवन चेतना उन्हां दे आले दुआले घूमदी है, मौत भुल जांदी है। बार बार याद आउंदे ने संबंधी जिन्हां दे नाल खून दा रिश्ता है, शरीर दा रिश्ता है, उन्हां दी याद बार बार बनी रहिंदी है। जितना परिवार याद आए कहिंदे ने उतनी ही मौत भुलदी है, और जितना ही मौत भुले उतना ही मनुख काया दे तल ते जीण लग पैंदा है, काया ही सब कुछ हो जांदी है। तो साहिब कहिंदे ने माया भरमा के रख देंदी है। वास्तविक माया की है? जिस दी याद प्रभु दी याद नू भुला दे। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। पुत्र दी याद इतनी प्रबल होवे कि परमात्मा दी याद ही ना आवे तो पुत्र माया बन गया। पत्नी दी याद इतनी प्रबल रूप धारण कर लवे कि ईश्वर चेते ही ना आवे तो पत्नी माया बन गई। ईश्वर दी याद बनी हुई है और पत्नी ईश्वर दा रूप दिखाई देवे तो पत्नी साधक हो गई, बाधक नहीं। पर पत्नी इतनी दिल दिमाग ते छा जाए कि परमात्मा भूल जाए तो पत्नी माया बन गई। किधरे पति माया बन गया। हर वक्त पति दी याद, पति दी स्मृति, जीवन दा लक्ष्य ही होई और जीवन चेतना उस दे आले दुआले परिक्रमा कर रही है तो पति माया बन गया, क्योंकि हर वक्त उसकी याद हुण परमात्मा चेते ही नहीं। इसे तरीके नाल पुत्रां दी याद, मित्रां दी याद इतनी परबल रूप दे दिल दिमाग ते छा जाए कि परमात्मा दी याद अंदरों उत्पन्न ना आवे तो किधरे मां माया दा रूप बन जांदी है, किधरे पिता, किधरे पुत्र, किधरे पत्नी, किधरे पति, किधरे भरा। अगर ए सारे दे सारे प्रभु दा रूप दिखाई देन और ऐसा समझिया जाए कि प्रभु ने ये संबंध बनाए ने, धिया पूत सब हर के किए, सबना को संबंध कर दिए, अगर ऐसा है तो इस सारे दा सारा परिवार साधक है। पर पुत्र इतना याद आ रहा है, हुण परमात्मा दी याद लई कोई थां नहीं। पत्नी इतनी दिल दिमाग ते हावी हो गई, छा गई, हुण परमात्मा लई कोई थां नहीं रही। पति इतना प्राणा विच वस गया, इतना जीवन चेतना दे तल ते चला गया, किसे तल ते भी हुण परमात्मा लई कोई थां नहीं रही, तो इस संबंधी माया दा रूप हो गए। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने, अगर मौत भुलदी है तो सिर्फ इस कारण करके भुलदी है कि जिंदगी दा लक्ष्य असी संबंधियां नू मन लैंदे आ। कोई जी रहा है पुत्र लई। अनेक ऐसे लोग ने जिन्हां नू गौर नाल देखिए, कोई पुत्रां लई जी रहा है, कोई पत्नी लई जी रहा है, कोई पति लई जी रहा है, कोई मां बाप लई जी रहा है, कोई भरा लई जी रहा है, कोई भैणां लई जी रहा है, कोई मित्रां लई जी रहा है। जगत विच कदी कदाई कोई ऐसा एकद मनुख दिखाई देंदा है जो परमात्मा लई ही जी रहा होवे, ईश्वर दे लई जी रहा होवे, ईश्वर उसकी जिंदगी दा लक्ष्य होवे और आखे मैं जी रहा प्रभु दी प्राप्ति लई, ईश्वर दी प्राप्ति लई। कहिंदे ने जद बहुत बिरद हो गए बाबा फरीद, काया दे अंग अंग जवाब देण लग पए, पैर चलणो रह गए। आप स्वयं कहिंदे ने
इन्नी निक्की जंगी ए थल डूंगर भोयम अज फरीदे कूजड़ा सैको आखी। मैं ते बड़े बड़े पहाड़ा ते छाल मार के लंघ जांदा सी पर अज कोल पिया होया कूजा भी इंज प्रतीत आंदा है जैसे सौ कुआं ते पिया तो पैर चलनो रह गए हाथ करनो रह गए जबान भी लड़खड़ा गई पर अंदरों एक फरियाद जागी है नैना दी जोत नहीं जानी चाहिदी अखां विच कमजोरी ना आवे कागा कनग डडोलिया सगला खायो मास बुढ़ेपे दे कान शरीर दा सारा मास सुका दिता है बुढ़ेपे दे कान है पैर हाथ कान और जबान चुंड खा दी है फरियाद पे कर देने ए दोए नैना मत छुयो फिर देखन की आस उजड़ी आसा है उते मेरी पूरी नहीं हुई अजे ते मैं उसनु वेख्या भी नहीं अखां बंद होने तो पहले मैं उसनु वेखना चाहना अखां दी जोत चली जाए उस तो पहले मैं उस परम ज्योति दी झलक वेखना चाहना जी रहे ने बाबा फरीद खुदा दी उसनु वेखन ली जी रहे ने जिंदगी दा लक्ष्य खुदा है जीवन दा लक्ष्य परमात्मा है पुत्र मित्र उदो माया दा रूप धारण कर जांदे ने जद ए लक्ष्य बन के सामने खड़े हो जान तो परमात्मा दी याद अंदरों चली जांदी है और जितना परिवार याद आवेगा इस याद तो दुख मिलेगा संताप मिलेगा जितना परमात्मा याद आवेगा उदी याद तो आनंद मिलेगा सुख मिलेगा दैवी गुण मिलणगे मौत भुलदी है तो साहिब कहने उसका एक मूल कारण है कि बार बार कोई ना कोई परिवार का सदस्य सामने आ जाता है जो याद का हिस्सा बन जाता है और याद ते ऐसा छा जाता है कि परमात्मा लई अंदर थां नहीं रहिंदी माया चित भरमेण इस मित्रे बांधवे लभदेन साध संगेण नानक सुख आस्थान गोपाल भजन साहिब कहिंदे ने सुख का आस्थान परिवार नहीं है सुख का स्थान रिदियां सिदियां नहीं है सुख का स्थान काया का स्वप्न भी नहीं है इत्थे सुख नहीं है अगर ऐसा होंदा तो दुनिया के तमाम सुंदर मनुख सुखी होने चाहिए सन आनंदित होने चाहिए सन बल्कि कई दफा तो ऐसा देखे है कि बड़े बड़े सुंदर मनुख दुखां की कुरूपता की दलदल देते फसे हुए ने एक आलम दा ते ऐसा कहना है खुदा ने हुसन नादानों को बख्शा जर जलीलों को अकलमंदों को रोटी खुश्क और हलवा बखीलों को ऐसा भी कुछ एकदा ख्याल है लाजमी नहीं कि कोई बंदा तन करके बहुत खूबसूरत है वो मन दा भी सोना होवे सूरत बहुत चंगी है उदी सीरत भी चंगी होवे ऐसा कोई लाजमी नहीं है पर तन दा स्वपन जीवन दा लक्ष्य नहीं है जिहे प्रसाद तेरा सुंदर स्वरूप सो प्रभ सिमरो सदा अनो ते रूप बाधक दी थां ते साधक भी बन सकदा है तू अपने सुंदर स्वरूप करके उस अनुपम प्रभु नु याद कर जिस तो ए रूप आया है जिस तो ए स्वपन आया है जिस तो ए सुंदरता आई है फिर ए स्वपन फिर एक आया माया दा रूप नहीं है तो साहिब कहिंदे ने सुख दा स्थान काया दा स्वपन ए नहीं है सुख दा स्थान रिधियां ते सिधियां भी नहीं है फिर की है सुख दा स्थान तो साहिब कहिंदे लभदेन साध संगे नानक सुख स्थान गोपाल भजन सुख दा ते स्थान है गोपाल दा भजन जो गुरु दी संगत दे चों लभदा है साधुआं दी संगत दे चों लभदा है जिथे बैठ के मनुख गोपाल दा भजन करदा है ते भजन करदियां ही करदियां सुख स्वरूप प्रभु दी प्राप्ति हो जांदी है दैवी गुणा दी प्राप्ति हो जांदी है मैला गर संगे निम बिरख से चंदने
निकट बसंतो बासो नानक अहम बुद्ध ना बोहते। इत्थे एक प्रश्न खड़ा होंदा है, सत्संग ते बहुत सारे चले जांदे ने, गुरु जी दी संगत ते बहुत करदे ने, लेकिन फिर भी काया दा अहंकार बनिया रहिंदा है, फिर भी परिवार दा मोह बनिया रहिंदा है। और कई दफा ऐसा हुंदा है कि सत्संग दे सत चेते ना आके परिवार चेते आ रहे है, संसार चेते आ रहे है, और जिस कारण करके अहंकार प्रबल रूप होके सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो सतगुरु ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है वनस्पति दे चो। मैला अगर संगे निम बिरख से चंदने, निकट बसंतो बांसो नानक अहम बुद्ध ना बोहते। जैसे मलयागर चंदन, उसके निकट अगर निम दा कौड़ा भी दरख्त है तो उसकी सुगंधी आ जाएगी, उस सुगंधी नू पी लेंदा है, उस सुगंधी नू अपने विच समो लेंदा है, और किसी हद तक मलयागर दा रूप बन जाता है और सुगंध वंडन लग पैंदा है। लेकिन निम तो भी अधिक निकट अगर कोई बांस का बूटा खड़ा है तो वनस्पति शास्त्री कहते ने उस दे चंदन की खुशबू नहीं आउंदी, वो चंदन की महक नू अपने विच नहीं समाउंदा। उस दे कुछ मूल कारण कुछ भी होवन, पर अध्यात्मक दृष्टि रखने वाले पुरुष कहते ने अंदरों थोथा है। बांस आपस दे टकरांदा है, टकराहट तो अगन पैदा होती है, जंगलों दे जंगल सड़ जाते ने, खुद भी जल जाता है। बांस दे गंढा ने कहते ने जो अंदरों थोथा है, बिल्कुल थोथा थोथा उसनू कहांगे जिस दे अंदर भरोसा ही नहीं, जिस दे अंदर भावना ही नहीं, जिस दे अंदर श्रद्धा ही नहीं, इते बांस है। अगर ऐसा मनुख सत्संग विच भी बैठा है तो ऐसा समझना चाहिए है कि चंदन दे निकट एक बांस का बूटा है। चंदन अपनी फराग दिली नाल रज के महक वंड रहे है, लेकिन थोथे पण करके बांस उस फराग दिली तो भी वांझा रह रहा है। उसकी महक नो चंदन की महक नो अपने विच जो है थां नहीं दे रहा। दूसरा बर्म दोखी है, टकरांदा है और आपस दे टकरांदा है, थोथा है। दूसरा बिरती टकराहट दी है, एदे नाल टकराना है, ओदे नाल मत्था मारना है, उसदे नाल मत्था मारना है, तो टकराहट तो ते अग्नि पैदा होवेगी, किसे नाल टकरांदियां क्रोध ते प्रबल होवेगा, अग्नि बहुत प्रबल रूप धारण करेगी, और उस क्रोध विच मनुख खुद सड़ेगा, दूजे नू जलाएगा। क्रोधी मनुख खुद जलेगा, दूसरिया नू जलाएगा। विचारक दार्शनिक ऐसा कहते ने क्रोध अहंकार की छाया है, जितना प्रबल अहंकार होवेगा उतना ही प्रबल क्रोध होवेगा। जितनी मिकदार विच मनुख का अहंकार वद्दा जाएगा क्रोध उतना ही वद्दा जाएगा, क्योंकि लाजमी नहीं कि अहंकार नू प्रतिष्ठा मिले, अहंकार नू खुराक मिले, अहंकार नू हर कोई सजदा करे। तो जिथे जिथे अहंकार नू सजदा ना होया, प्रतिष्ठा ना मिली, उसकी पूर्ति ना हुई, क्रोध ते है, और ऐसा मनुख हर थां ते टकराएगा। टकराहट नाल खुद जख्मी होवेगा, दूसरे नू जख्मी करेगा। इस वास्ते बांस नाल तशबीह दिती है, बांस आपस दे टकरांदे ने, अग्न पैदा हो जांदी है, जंगलां दे जंगल जल के राख हो जांदे ने, खाक हो जांदे ने। वनस्पति दे सतगुरां ने एक दूसरा उदाहरण दिता है निम दा। मैला अगर संगे निम बिरख से चंदने, निकट बसंतो बासो नानक अहम बुद्ध ना बोहते। भावे निम दा दरख्त
है ते कौड़ा, इदे फल भी कौड़े ने, इदे पत्ते भी कौड़े ने, लेकिन एक खूबी है, ये चंदन दी महक अपने विच समो लेंदा है, परो लेंदा है। कई मनुख देखण दे च आए ने, रुखे ने, कौड़ा भी बोल लेंदे ने, लेकिन ऐसी खूबी है कि गुरबाणी सुनदे आ, सत्संग विच बैठदे आ, गुरु दे शब्दां दी महक नूं अपने विच थां दे देंदे ने, दैवी गुणां नूं अपने अंदर थां दे देंदे ने। इह गल वखरी है कि अजे थोड़ा रुखा पै बोलदे ने, अजे थोड़े फिक्के पै बोलदे ने, किधरे किधरे कड़ावाट भी है जीवन दे विच, लेकिन फिर भी गुणां दी महक है, दैवी गुणां दी जो है सुगंधी है। इस वास्ते सतगुरां ने ये दो उदाहरण दिते ने, बांस ते निम। ये ठीक है कि बांस कौड़ा भी नहीं, उदे पत्ते कौड़े भी नहीं, लेकिन थोथा है, गंडा ने, और वर्म दोखी है। तो जो अपने वर्म दा दोखी है, जिस दे च विकारां दियां गंढा ने, ते जिहड़ा बिल्कुल थोथा शरदाहीन है, वह अगर सत्संग दे च बैठा भी है, गुरु कोल बैठा भी है, तो कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। अपने अहंकार दे करके खुद जलेगा, दूसरियां नूं जलावेगा। धार्मिक दुनिया दे स्याणे मनुख कहिंदे ने कि मनुख दे अंतिशकरण दी सेजा ते या निरंकार बैठेगा या अहंकार बैठेगा, दोवें नहीं बैठ सकते। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा भी फैसला, हौमें नावें नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठा। कहिंदे ने परमात्मा दी उंज ते किसे नाल कोई विरोधता नहीं, पर निरंकार दी अहंकार नाल विरोधता है। निरंकार ते अहंकार दोवे इक थां ते नहीं रह सकते। करतार ते अहंकार दा वासा इक थां ते जो है नहीं हो सकता। दोए ना वसे इक ठां है। जिस ते हिरदे दे तल ते अहंकार बैठा है, समझ लो उत्थे निरंकार लई कोई थां नहीं है। रोज सत्संग दी साधना और इहदे च दैवी गुणां नूं इकट्ठा करके अहंकार नूं रुखसत करना हुंदा है, अपने घर चों कढ़णा हुंदा है, और निरंकार नूं बुलाणा हुंदा है, हिरदे दी सेजा ते बिठाणा हुंदा है। धर्म दी साधना इसे वास्ते है। सूफी संत समस्त वरेस का एक बड़ा सुंदर वाक है, वो किन्न बाज आमदम ता यार रा मेहमान को नम। मैं ते बार बार इस दुनिया दे चाया, कोशिश करदा रहा खुदा नू अपने घर लियावां, पर बदकिस्मती मेरे घर दे जो अहंकार बैठा होया सी उनू कढ़न दे च मैं सफल नहीं हो सके, उनू रुखसत करन दे च मैं सफल नहीं हो सकया, और बार बार उसे ही सिरमौर अहंकार नाल झगड़ दिया मेरा जीवन व्यतीत हो जांदा रहा। भगत कबीर जी महाराज भी कहंदे ने, कहत कबीर ए पंच को झगरो, झगड़त जन्म गमाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। ऐसा नहीं है कि मनुख जो बाहर लड़ाई प्रगट करता है, दरअसल लड़ाई तो पहले उसके अंदर हो रही है, और वो झगड़ा है अहंकार नाल। जितना प्रबल अहंकार हो जाएगा, कुदरती गल है, उतना ही मनुख उसनु क्रोध दे रूप च, टकराहट दे रूप च बाहर प्रगट करेगा, और ऐसे मनुख कोल शांति, खमा, दया, सील, संजम, दैवी गुण सारे दे सारे जो है दूर रहिंदे ने। तो साहिबा ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिता है, भावे निम दा वृक्ष कौड़ा जरूर है, थोथा नहीं है, शरदा है, भावना है, उहदे च विकारां दियां गंढां भी नहीं ने, और निम वर्ण दोखी भी नहीं है, अपनी जात नूं जलाण वाला नहीं, अपने वर्ण नूं खत्म करन वाला नहीं, उहदे च इह खूबियां ने। इन्हां खूबियां करके वह कौड़ा होंदा होया भी सुगंधित हो जांदा है, जदके बांस कौड़ा ते नहीं,
थोथा होण करके सुगंधी तो वांझा रह जांदा है, महक तो वांझा रह जांदा है। गाथा गुंप गोपाल कथन मथन मान मर्दने हतन पंचसत्रेण नानके हर बाणे पर हारुणे। इस बाणी का नाम गाथा है। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे ने, इस गाथा नामक बाणी विच असी गोपाल दे गुणा नूं परोया है, माला बनाई है। कथा दे इस धागे दे गोपाल दे गुण परोए ने, सुंदर माला बनाई है, पुष्प माला। कथन मथन मान मर्दने, कोई इस गाथा दा कथन करे, उच्चारण करे, पाठ करे, मथन कोई विचार करे, पाठ करे, विचार करे, मान मर्दने, उसका मान मर्दन हो जाएगा, मिट जाएगा, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अहंकार मिट गया, निरंकार प्रगट हो गया। कहने निरंकार ते हर एक दे बुए ते खड़ा है, दर ते खड़ा है, ते सिर्फ दर ते ही नहीं खड़ा, दस्तक भी दे रहे है। बदकिस्मती है कि साडा अहंकार सानू बुआ नहीं खोलन देंदा, द्वार खोलन नहीं देंदा, वो ते दस्तक दे रहे है। वो ऐसे दस्तक दे रहे है जैसे सूरज दिया किरणा हर एक बुए ते सवेरे सवेरे दस्तक देंदियां ने। कोई विरला ही खुशकिस्मत है कि उन्हां किरणा दा कोई स्वागत करे, सूरज दी उस रोशनी दा कोई स्वागत करे। इसी तरीके नाल प्रभु हर वक्त हर एक दे हिरदे दे द्वार ते दस्तक दे रहे है, खटखटा रहे है। कदी कदाई कोई विरला मनुख अपने हिरदे दा बुआ खोल के स्वागत करदा है प्रभु नूं, स्वागत करदा है देवी गुणा दा, अपने हिरदे दी सेजा ते बिठांदा है। ए गाथा नामक अगम्मी बाणी देवी गुणा दे फुल्लां नाल परोई हुई, जिसका नाम गुरु अर्जन देव जी महाराज गाथा रखते ने, ते फिर फरमान करते ने वास्तविक ए गाथा की है। गाथा गुंफ गोपाल कथन मथन मान मर्दने, असी इस गाथा दे गोपाल दे गुणा नूं परोया है, गुंफ है, परोया है। कोई भी उच्चारण करे, कोई भी विचार करे, क्योंकि पढ़िया होया विचारना चाहिए। मूंह दे अगर बुरकी रख लईए ते दंदा नाल चबाइए ना, उन्हूं थले ना करिए, तो कई दफा मूंह दे रखिया होया भी व्यर्थ चला जांदा है। ये ठीक है, स्वाद आ गया, रस आ गया, पर शक्ति ते तां बनेगी, ताकत ते तां बनेगी जे उसनू चबाइए, उसनू पचाइए, और ओ बुरकी थल्ले भी जाए, तां जाके किधरे शरीर दा बल बनेगी, शरीर दा मांस बनेगी, शरीर दा खून बनेगी। तो इसे तरीके नाल कीता होया पाठ, उच्चारण कीती हुई गुरु दी बाणी अगर विचार ना करिए, तो समझ लो दंदा नाल इस भोजन नु चबाना शुरू नहीं कीता, थल्ले नहीं कीता। तो महाराज कहने ने गाथा गुंफ गोपाल कथन मथन मान मर्दने, इस दे नाल मान मर्दन हो जांदा है, खत्म हो जांदा है। जो इस गाथा दी विचार करदा है, जो इस गाथा दा उच्चारण करदा है, हतन पंच सत्रेण नानक हर बाणे पर हारणे, उदी रसना हरि नाम दा उच्चारण करन लग पैंदी है। और जैसे हरि नाम दे ए तीर चलांदा है, जप दे तीर चलांदा है, पन्ने दे पन्ने शत्रु नाश हो जांदे ने, खत्म हो जांदे ने। असी संसारी उसनू कहंदे आ जिसनू इना पंजा ने जित लिया। असी भगत ते संत उनू ही आख सकते हैं जिसने ए पंज जित लए ने। जिन मिल मारे पंच सूर बीर ऐसो कौन बलीरे,
जगत दे संसार दे इते ए पंजे ही बली रहे और सारे अनु इन्होंने जित के रखे है। कदी कदाई कोई एक कद संत, कोई एक कद भगत, कोई एक कद रसक, कोई एक कद गुरमुख इन्हों पंजा नु जित लेंदे है, इन्हों पंजा नु पछाड़ लेंदे है। कहिंदे ने जो इन्हों पंजा दे गुलाम ने उन्होंने हर तरह दियां गुलामियां नु बाहर जन्म दिता है, वो अपने बच्चियां नु भी किसी प्रकार की आजादी नहीं देंगे। पत्नी की भी हर प्रकार की स्वतंत्रता दे बाधा खड़ी करनगे, वो मां बाप नु भी किसी तरह की आजादी नहीं दे सकते, वो भरावां नु भी बंधन दे च पाणगे, भैणां नु भी बंधन दे च पाणगे। और जितना शक्तिशाली मनुख होवेगा वो देश नु भी बंधन दे च पावेगा, कौम नु भी बंधन दे च पावेगा, और शक्ति वध गई तो सारे संसार नु भी बंधन दे च पाण दी कोशिश करेगा, गुलाम करने की कोशिश करेगा, खास करके ओ जो इन्हां पंजां दा गुलाम है। पर जिसने ये पंज मार दिते ने आजाद हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। कहिंदे ने इस तरह के मनुखा ने स्वतंत्रता का ख्वाब लिया है, स्वतंत्रता नू जन्म दिता है। और इन्होंने बुलंद बांग ए भी आख्या है कि परमात्मा दे नाम जपण दा फल ही मुक्ति है, आजादी है, स्वतंत्रता है। ना जन्म दा बंधन, ना मरण दा बंधन, ना किसे अवगुणा दा बंधन, गुलामी है ही नहीं, आजादी है, बंधन है ही नहीं, मोक्ष है, मुक्ति है। तो साहिब कहिंदे ने गाथा गुम गोपाल कथन मथन मान मर्दने हतन पंच सत्रेण नानक हर बाणे पर हारणे। बाहर देशां दे ते कदी कदाई कोई युद्ध होंदे ने किसे एक कौम दा दूसरी कौम नाल, किसे एक देश दा दूसरे देश नाल, पर अंदर ते हर वक्त युद्ध चल रहे और इन्हां पंजां दे नाल चल रहे। और बदकिस्मती ये है कि पंजे सानू रोज ही पछाड़ के रख देंदे ने, हार ते एक दिन दी ही काफी होंदी है, रोज हार दे आं, रोज हार दे आं, और रोज ए सानू पंजे पछाड़ दे ने, हार किस्मत बन जाती है, हार जिंदगी बन जाती है, हार कबूल हो जाती है, हार दे जीवना आदत बन जाती है, सुभाव बन जाता है। कदी कदाई कोई मनुख अपने सुभाव नु सत्संग दे आसरे ते बदलन दी कोशिश करदा है और कहिंदा नहीं मैं इन्हां पंजां नु हुण हरा के जीवना है, हार के नहीं जीवना। और जैसे इन्हां पंजां नु हरांदा है एक अगम्मी सिंघासन दी उसनू प्राप्ति होंदी है। अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तो ये जो अगम्मी वाणी है इस विच गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करदे ने तमाम गोपाल दे गुणा नू असी इस विच परोया, जो भी इसका कथन करेगा, जो भी इसकी विचार करेगा और विचार करके जिसकी भी रचना प्रभु दा नाम जपेगी ओ इन्ना पंजा ही शत्रां नू मार के सारे ही शत्रुआं नू ढह ढेरी करके परम आनंद परम मोक्ष की प्राप्ति नू जो है हासिल करेगा और परम सुख उसकी झोली विच पवेगा।